आज रविवार है और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चलिए सेव भाई से बात करते हैं, चलते हैं कहीं घूमने फिरने। अरे भाई, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, YouTube पर ऐसे हजारों चैनल हैं जो कि इस तरीके के फ्रूट्स कार्टून वीडियोज बना करके YouTube से लाखों में कमाई कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आपके साथ यही प्रोसेस शेयर करने वाले हैं कि आप भी अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के माध्यम से इस तरीके के एनिमेटेड फ्रूट्स कार्टून वीडियो बना करके यूट्यूब से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक कार्टून फोटो बनाना है और एक वेबसाइट के माध्यम से उसमें एनिमेशन डाल करके कुछ एडिटिंग करके सिंपल यूट्यूब पर अपलोड कर देना है और अच्छी खासी कमाई करना है। तो चलिए जानते हैं फुल प्रोसेस क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में एक कैनवा नाम का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। सिंपल आप प्ले स्टोर पर आइए और सर्च कीजिए कैनवा। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिए। फिलहाल हम पहले से लॉगिन कर रखे हैं तो यहाँ से इसे डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। ध्यान रहे कि इसे ओपन करते समय आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, क्योंकि यह ऑनलाइन मोड में ही चलता है। सिंपल आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इस मोबाइल की तरह का एक आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल वीडियो। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कार्टून फोटो कैसे बनाएं, उसके बाद आके हम सीखेंगे कि उस फोटो को एनिमेशन वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें, उसके बाद आगे सीखेंगे कि उस एनिमेशन में बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट कैसे डालें। तो सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से अपना खुद का कस्टम फोटो भी बना सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं फ्रूट्स। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रूट से रिलेटेड बहुत सारे फोटो देखने को मिलता है, तो हम वन बाई वन इसको ऐड करके यहाँ पर कस्टम करके खुद से अपना एक कार्टून फोटो भी बना सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर फिर से सर्च कर लेते हैं माउथ, यहाँ पर हमें माउथ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं आई, उसके बाद सिंपल ऐड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाता है। अगर वही आप चाहते हैं इसमें लेग वगैरह ऐड करना तो फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे लेग्स तो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे खींच लेना है, उसके बाद इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड टू बैक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बैक चला जाएगा। उसके बाद फिर से आपको हैंड ऐड करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं हैंड HANDY। तो सिंपल इस तरीके से आप ऐड कर लेंगे, सबको सर्च कर लेंगे, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ये रहा। इसके बाद सिंपल आपको इसको भेज देना है बैक, जैसा कि यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड टू बैक, इस पर क्लिक किए। उसके बाद फिर से हम इसी पर क्लिक कर इसी को कर लेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लिप का, यहाँ से हम इसे इस तरीके से फ्लिप कर देंगे और सिंपल इस साइड एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल इस तरीके से बना लेने के बाद उसके बाद इस शेयर पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ PNG को सेलेक्ट करेंगे, फिर से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड फ्री वाटर मार्क ड्राफ्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वाटर मार्क के साथ आपके यह फोटो डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से आप यहाँ से इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप चाहते हैं कि इतना झंझट आपको करना ना पड़े, बना बनाया हुआ मिल जाए तो सिंपल आप यहाँ पर सर्च करेंगे कार्टून फ्रूट्स, तो आपको बना बनाया हुआ यहाँ पर कार्टून फ्रूट्स देखने को मिल जाता है। जो भी फ्रूट्स आपको अच्छा लगे सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको इसमें कोई भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं, इतना क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको इसमें वाटर मार्क दिखेगा, उसके बाद एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद सिंपल फिर से शेयर पर क्लिक कीजिए और फिर से डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड विथ वाटर मार्क इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वाटर मार्क के साथ ये भी डाउनलोड है। तो यहाँ से हमने सीखा कि आप कार्टून PNG फोटो कैसे डिजाइन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसमें एनिमेशन कैसे डालना है। इसके लिए सिंपल आप आ जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउजर में, उसके बाद सर्च बार पर टाइप करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे एनिमेशन ड्राइंग। जैसे ही आप सर्च करेंगे टॉप में आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगा स्केच मेटा डेमो करके, इस तरीके से। तो सिंपल आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ अपलोड फोटो का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने उस फोटोज़ को ले लेंगे जो कि हाल ही में कैनवास से बनाया हुआ है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इस पर अपलोडिंग का प्रोसेस लेगा। उसके बाद सिंपल आपके सामने नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यह आपकी बैकग्राउंड को इरेज करेगा, उसके बाद इसका जो टर्म कंडीशन है वो एग्री करने को कहा जाएगा, तो आप इसे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फाइनली आप इसे एग्री कर देंगे।
एग्री करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा क्रॉपिंग के लिए, तो आप इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, किस तरीके से आपको क्रॉप करना है देख लेंगे, उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाए कि आप एक बार देख लीजिए प्रॉपर बैकग्राउंड रिमूव हुआ है नहीं, अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ से मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टूल्स वगैरह दिया गया है, आप इस तरीके से जहाँ पर नहीं हुआ है या कुछ अनवांटेड पार्ट्स है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ प्रॉपर रिमूव हो चुका है, तो हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको एनिमेशन पॉइंट बन करके आ जाएगा, जिसे आपको देख लेना अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है कि ठीक है या नहीं। तो कुछ इस तरीके से जो लेग्स वगैरह है उसे अच्छे से एडजस्ट करके देख लेना है, हैंड वगैरह है जो अच्छे से है कि नहीं, उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद आपके सामने आपका जो एनिमेशन है बन करके रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेट होगा। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जैसा कि अभी ये ऑल में सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे टाइप के जो एनिमेशन है दिए गए हैं, तो इस पर आप वन बाई वन क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा एनिमेशन अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर फनी में जाते हैं, डांस में जाते हैं, तो आपको यहाँ पर डांसिंग टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहां से इस डांसिंग वाले को सेलेक्ट करके आप अपने जो कार्टून फेस है उसमें आप डांसिंग एनिमेशन करा सकते हैं। तो जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लगे सिंपल आप उस पर टिक करेंगे, वो एनिमेशन आपको यहां पर उस वीडियो में इस कार्टून में ऐड हो जाएगी और सिंपल उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है आगे हम बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको बता दें कि यहाँ से आप दो चार टाइप के इसका एनिमेशन देख ले और उससे आप डाउनलोड कर ले। जैसा कि ये रहा एक सिंपल, इसे डाउनलोड करने के लिए इस फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस पर टैप का ये रहेंगे होल्ड टैप, उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर से अगर आप दूसरे एनिमेशन के साथ इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो बैक आएंगे और यहाँ से दूसरा एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि ये वाला एनिमेशन हम चाहते हैं। तो सिंपल फिर से आप इस एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे तो इस एनिमेशन में वीडियो बन जाएगा, यानी कि आपका कार्टून बन जाएगा, इस कार्टून बन जाएगा। इसे भी आप सिंपल डाउनलोड करने के लिए फुल स्क्रीन मोड में करेंगे, इस पर टाइप करके रखेंगे, उसके बाद डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आपको दो चार एनिमेशन सेलेक्ट कर करके आपको डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पर आपको फनी भी मिल जाता है, जंपिंग भी मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो सिंपल इस तरीके से आपको इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सिंपल डाउनलोड करने के बाद अब यह वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। तो सिंपल दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको एक बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसके लिए आप इस इमेज सर्च मैन वाले एप्लीकेशन या गूगल में आएँ, आने के बाद सिंपल आप सर्च करें कार्टून वीडियो बैकग्राउंड। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे टाइप के बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे, जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे सिंपल आप उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपल फोटो डाउनलोड करने के बाद अब आपको इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए सिंपल आप अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी वीडियो एडिटर में आ जाएंगे। फिलहाल हम काइन मास्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काइन मास्टर को ही ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहां पर क्लिक करेंगे इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यदि आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो 16:9 रेशियो को सेलेक्ट करेंगे, नहीं अथा शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो 16:9 यानी कि 9:16 को सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम लॉन्ग पर ही काम कर रहे हैं तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल क्रिएट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको पिक्चर नाम के फोल्डर में बैकग्राउंड फोटो देखने को मिल जाएगा, तो उस फोटो को ले लेंगे। जैसा कि हम यहाँ से इसे ले लिए, फोटो लेने के बाद अब आपको इसकी थोड़ा लेंथ को बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद सबसे पहले आपको उस वीडियो को ऐड करना है जो कि एनिमेशन वाली वेबसाइट से अभी हमने आपको डाउनलोड करना और बनाना सिखाया। तो इसके लिए सिंपल आप इस लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन के डाउनलोड फोल्डर में वो वीडियो होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला। तो सिंपल आप उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से वीडियो स्क्रीन पर आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें जो मल्टीपल वाला ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इतना करने के बाद अब इस एडजस्ट वाले पर आएंगे और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, कंट्रास्ट को भी बढ़ा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपल टिक मार पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा इसे अपने स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है बड़ा साइज में, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो सिंपल इतना करने के बाद अब आपको इसमें वॉइस को डालना है, तो थोड़ा समझ लीजिए कि वॉइस आपको इसमें क्या डालना है। जैसा कि ये वीडियो है ऑरेंज है जिसे नारंगी कहा जाता है, तो इसमें आपको वॉइस इस तरीके से ऊपर करना है। हाय बच्चों, आई एम ऑरेंज, मैं ऑरेंज हूँ जिसे हिंदी में नारंगी भी कहा जाता है। मुझे खाने से शरीर में ताकत मिलती है और विटामिन ई मिलती है, यानी कि इससे रिलेटेड जो कुछ भी खूबियाँ है वो आपको इसमें बोल करके अपना वॉइस ओवर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अपने वॉइस को ओवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। वॉइस ओवर करने के लिए सिंपल आप इस रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगा, देखते जाएंगे बोलते जाएंगे, उसके बाद आपका वॉइस इसमें ओवर हो जाता है। तो चलिए अपने वॉइस को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमने वॉइस को एक छोटा सा क्लिप ऐड कर लिया, चलिए आपको एक बार प्ले करके सुनाते हैं। हेलो बच्चों, मैं नारंगी हूँ जिसे अंग्रेजी में ऑरेंज कहा जाता है।
हेलो बच्चों, मैं नारंगी हूँ, जिसे अंग्रेजी में ऑरेंज कहा जाता है। मुझे खाने से शरीर में ताकत मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो पार्ट्स है, यहाँ पर वीडियो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमने जो और वीडियो बनाया था उस वीडियो को ले लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप इसे कर लेंगे डुप्लीकेट और खींचेंगे इसको थोड़ा सा आगे जहाँ पर ये वीडियो एंड हो रही है, जैसा कि यहाँ पर ये वीडियो एंड हो रही है, तो यहाँ पर आप खींचेंगे और इस वीडियो पर क्लिक करके रिप्लेस कर देंगे। इसी को नहीं रखना है, जो दूसरा एनिमेशन हमने डाउनलोड किया था इसी ऑरेंज का, उस वाले एनिमेशन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हेलो बच्चों, मैं नारंगी हूँ, जिसे अंग्रेजी में ऑरेंज कहा जाता है। मुझे खाने से शरीर में ताकत मिलती है। तो सिंपल इस तरीके से आपको इसे एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पीड को कंट्रोल करके बढ़ा लेना है, ताकि अच्छे तरीके से एनिमेट हो पाए और हमारे वॉइस के साथ मिल पाए। तो फाइनली दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको वॉइस को ऐड करके एडिट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं वॉइस में बच्चों का इफेक्ट डालना, तो इसके लिए मिक्सर वाले पर क्लिक करेंगे, पिच लेवल को यहाँ पर 3 के करीब बढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर से ऑडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आप इस पर वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको किड नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसे आप सिंपल इस तरीके से और सारे आप ऑडियो क्लिप को ऐड कर लेंगे और छोटा छोटा क्लिप को बना करके एक बड़ा सा स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी कैसे क्रिएट करना है उस पर हम आपको एक प्रॉपर अलग से वीडियो लाएंगे, यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इस तरीके से आपको बना लेना है, बनाने के बाद इसमें आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए ऑडियो पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के फोल्डर में जाएंगे और एक प्यारा सा कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ले लेंगे। उससे पहले बता दें कि हमने किड्स चैनल के लिए बहुत ही टाइप के कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के बारे में बताया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप देख करके सीख सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ से हम एक प्यारा सा म्यूजिक ले लेते हैं। म्यूजिक लेने के बाद हम यहाँ से इस म्यूजिक की जो साउंड है बैकग्राउंड में थोड़ा सा कम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हेलो बच्चों, मैं नारंगी हूँ, जिसे अंग्रेजी में ऑरेंज कहा जाता है। मुझे खाने से शरीर में ताकत मिलती है। तो सिंपल इस तरीके से वीडियो बनाने के बाद फाइनली आपको इस शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने साइज को सिलेक्ट करना है और सेव बाय इस वीडियो पर क्लिक करके इसे फोन में सेव करके यूट्यूब पर अपलोड कर लेनी है।